इसको पैदाइशी तौर से क्लब फुट है, टेढ़ा पैर है, ठीक है, थर्ड डिग्री का है, वो डिग्री होती है इसमें, जिसमें आदमी पंजे पर चल रहा है, ठीक है। वो मेरे पास इसलिए इलाज के लिए आए कि उसको लंदन में और सब यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकार कर दिया कि नहीं ऑपरेशन कर सकते। गाम्बिया एक इंतहाई गरीब देश में से है जहाँ पैसे नहीं, इनके पासपोर्ट तक पर लिखा हुआ है कि ये इंतहाई गरीब देश है। तो उनकी सिस्टर जो है वहाँ पर लंदन में है, नर्स हैं, तो उन्होंने बातचीत किया यूट्यूब के माध्यम से और सब कुछ करके भी यहाँ पर आए। इनका वन स्टेज की सर्जरी हमने किया है और आज हमको लगता है एक महीना होने जा रहा है। अच्छा है, फाइन, ठीक है। तो सिर्फ इकोनॉमी एक फैक्टर नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है, हम लोगों का जो अपना टेक्निक है, ये है वो है, जो कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ता भी है। तो अगले को ये तो लगा ही होगा कि साहब सस्ता है, जोड़ जाड़ के भी सस्ता पड़ रहा है तो आया नहीं। वो कहाँ गाम्बिया से टर्की आया, टर्की से दिल्ली, दिल्ली से ये देवघर आया, देवघर से फिर हमने उसको लिफ्ट करके यहाँ लाया। इसका मतलब है कि मिला जुला के जितना खर्चा हम लोग क्या होने जा रहा है वो उनके और यूरोपियन कंट्री के खर्चे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, तभी तो वो आया। फिर भी कितना डिफरेंसेस होगा अदर कंट्रीज और यहाँ के खर्चे में से? इस तरह की सर्जरी में मोटा मोटी ऑपरेशन चार्ज जो अभी लंदन में है वो 9 लाख रुपीस इंडियन है, सिर्फ ऑपरेशन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, रहना, ये वो और जो सब चीज़ें, ठीक है। ये हम लोग 25-30 हज़ार रुपये में काम कर लिया, और फॉरेनर के नाम पर जो हम लोग को और एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता थोड़ा बहुत, हमको लगता है 1 लाख रुपये के अंदर में सब कुछ हो गया, खा पी के सब। अब और क्या चाहिए, अब क्या चीज़ चाहिए भाई। पेशेंट किस तरह से कॉन्टैक्ट में आए थे? पेशेंट वो यूट्यूब पर, उनकी सिस्टर जो है वो नर्स है लंदन में, उसने व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे हॉटलाइन से कनेक्ट किया और वो फॉलो करती रही, हमसे सारा प्रूफ मांगा, और जो प्रीवियस मरीजों को जो हम लोगों ने ऑपरेट किया है उन सब का वो प्रूफ मांगा, मांग करके फिर इंडियन हाई कमीशन से पूछा कि ये झूठा डॉक्टर है, सच्चा डॉक्टर क्या है, नहीं है, सब चीज़ है। और फिर उसके बाद फिर उनको मेरे से रिकमेंडेशन लेटर लिया, आपको वीज़ा मिल गया आराम से, कोई परेशानी तो हमको नहीं लगती है, उन लोगों को हुई है। और ये कोई पहला पेशेंट तो है नहीं, इससे पहले कई पेशेंट आ चुके हैं। सर एक बड़ी उपलब्धि के देखने को लगती है जबकि छोटे शहरों में और दूसरे देशों से लोग आते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध चिकित्सक आप माने भी जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम भागलपुर वाले लोग इस मामले में कभी संगोष्ठी नहीं किया कि भागलपुर का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ सिल्क का कपड़ा बना के बेचने का ही है या कुछ और भी है। हम भागलपुर वासियों के पास बहुत पोटेंशियल है, हम टूरिज्म ही को देखा जाए या सिल्क के कपड़े का जो डिज़ाइन है जो बनता है, या मेडिकल इंडस्ट्री को देखा जाए या एजुकेशन को देखा जाए, हमने कभी उस पर परिचर्चा नहीं की है, इसीलिए हम ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अदरवाइज अगर एक्सप्लोर करते तो हम भागलपुर की धरोहर में तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉरेनर्स के आ करके यहाँ पर सीख लेने की। मेरा अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है और हम कोशिश में हैं कि फॉरेन से, यूरोप से, अमेरिका से लोग आ करके हमारे साथ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, ऑर्थोपेडिक इंजीनियरिंग पर काम करें। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा अपना हार्डवेयर लैब है, इस सब पर हम कर रहे हैं। और आप शायद देखिए कुछ दिनों में कि लोग बाहर बाहर से आके हमारे यहाँ ठहरेंगे और एक फ्यूचरिस्टिक, कल को जो ज़रूरत पड़ने जा रही है उस पर वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। पेशेंट की जो समस्या है वो कब तक लगभग पूरी समाप्त होने? वो एक आध महीना और रहेगा, उसके बाद फिर वो घर चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम है 70% सॉल्व है, लेकिन जो 30% है वो चलने से ठीक होगी, तो वो जब पैर रख के चलने लगेगा तो ही विल बी फाइन। थैंक यू सर। नाम बता दें आप? डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान, रहमान नर्सिंग होम, ततारपुर। थैंक यू।